टुडे वी टॉकिंग अबाउट चेलेजियन, चेलेजियन या कैलेजियन। तो देखना, डिजीज ऑफ आईलिड, इट मीन्स ए हिल स्टोन, है ना, ये आईलिड की डिजीज होती है। अब देखो, क्रोनिक नॉन स्पेसिफाई इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलोमा ऑफ द मिबोबियन ग्लैंड, है ना, क्रोनिक होती है और नॉन स्पेसिफाई होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और ग्रेन्युलोमा, ठीक है, इसको बोलती है चेलेजियन। पेनलेस होती है, राउंड होती है और स्मूथ स्वेलिंग होती है। अब देखो, मिबोबियन ग्लैंड ये कहाँ पे होती है, तो आपको बताया टीयर फिल्म होती है। टीयर फिल्म की तीन लेयर होती है, लिपिड लेयर, एक्वस लेयर और म्यूकस लेयर। तो जो इसकी लिपिड लेयर होती है ना, उसमें होती है मिबोबियन ग्लैंड। उसमें तीन ग्लैंड होती है, मिबोबियन ग्लैंड, जीन्स ग्लैंड और मोल ग्लैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके इटियोलॉजी का, तो दो इटियोलॉजी देखना, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में ज़्यादा होती है, और ब्लिपिराइटिस, है ना, ब्लिपिराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, इसको बोलती है ब्लिपिराइटिस। और क्रोनिक कंजेक्टिवाइटिस भी हो सकता है, जैसे ट्रेकोमा और डीएम के पेशेंट है तो भी हो सकता है, एरर रिफ्रेक्शन के कारण और रबिंग ऑफ आई, इसके कारण भी चेलेजियन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की, तो देखो मैंने बता दिया, पेनलेस होती है, राउंडेड होती है और स्मूथ स्वेलिंग होती है ना, तो पेनलेस नोड्यूलर स्वेलिंग ऑफ द आईलीड, है ना, आईलीड की डिजीज है ये, और क्रोनिक डिजीज है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलीड, है ना, आईलीड ड्रूप करने लग जाएगी। स्मॉल पी साइज नोड्यूलर स्वेलिंग अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, इट इज प्रीम टेंस एंड नॉन टेंडर होती है ना, इसमें पेन नहीं होता। फिर बात करते हैं चेलेजियन में भी, अब देखो ये सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एन ओवरचियन दैट टार्सल कंजक्टिवा अंडर नियर द नोड्यूल कैसे दिखेंगे, वोलेट रेड और पर्पल स्लाइटली एलिवेट दिखेंगे अपन, है ना, टार्सल कंजक्टिवा के नीचे। फिर बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की, तो इसकी पैथोलॉजी देखना तुम्हें, कि सबसे पहले जो मिबोबियन ग्लैंड डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होने से अब इसका लिपिड सिक्रेशन है ना वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, है ना, एक्यूमुलेट होगा, फिर यहाँ पे इरिटेशन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, है ना, और फिर ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा या मिबोबियन सिस्ट बन जाएगी, और इसको ही बोलते हैं चेलेजियन। तो किसके कारण हो रही है, मिबोबियन ग्लैंड डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण हो रही है, ओके, ये याद करनी है तुम्हें। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस, कि मिबोबियन ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, और मिबोबियन ग्लैंड होती है टीयर फिल्म की लिपिड लेयर के अंदर, ठीक है, तो मिबोबियन ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होने से लिपिड सिक्रेशन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगी, आईलिड में क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और इरिटेशन होगा, है ना, फिर मिबोबियन सिस्ट बन जाएगी जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, और यही होता है चेलेजियन, ओके। तो चेलेजियन क्रोनिक नॉन स्पेसिफाई इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ द मिबोबियन ग्लैंड, और मिबोबियन ग्लैंड है ना, और जो मिबोबियन सिस्ट बनी है वो पेनलेस होती है, राउंड होती है और स्मूथ स्वेलिंग होती है, ओके, ये तुमको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो देखो मैंने बोला था ये सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है ना, तो स्मॉल चेलेजियन में क्या करेंगे अपन, हॉट कंप्रेस करेंगे और टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज में लेंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स भी लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन भी हो रहा है इसीलिए, तो इसमें है ना इन्फ्लामेशन हो रहा है इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स भी लेंगे और टॉपिकल एंटीबायोटिक भी यूज में लेंगे। और अगर देखो लार्ज चेलेजियन है तो अपन इंसिजन लगाएंगे, और इंसिजन भी कैसा, वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे, ठीक है, इंसिजन लगाएंगे एंड थ्रू क्यूरेटेज अंडर लोकल एनेस्थीसिया, है ना, लोकल एनेस्थीसिया लगाकर फिर वर्टिकल इंसिजन एंड थ्रू क्यूरेटेज अंडर लोकल एनेस्थेसिया, है ना, पहले लोकल एनेस्थेसिया लगाएंगे फिर इंसिजन लगाएंगे वो भी वर्टिकल थ्रू क्यूरेटेज, ओके। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, है ना, तो ये देखो ENT की इंपॉर्टेंट डिजीज, चेलेजियन या कैलेजियन, है ना, अपर मतलब आईलिड की डिजीज होती है। थैंक यू।